अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं उमर। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन जाना 2.0। बहुत ही ज्यादा स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। फिर से जो लोग रोजाना वीडियो देखते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो का नाम है दिल्ली गार्लिक मार्केट प्राइस, दिल्ली फ्रूट मार्केट। मतलब कि दिल्ली में जो थोम होता है ना, उसका रेट देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 27 मई 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, दिल्ली में आज रात सुबह तड़के में, सुबह भोर में अच्छी खासी बरसात हुई, जो 5 से लेकर 6-7 बजे तक चली। वो बहुत ज़्यादा तूफान के साथ मोटी बूंद धुआंधार बरसात हुई और उसके बाद 9-10 बजे तक बूंदाबांदी चलती रही, पर अब धूप खिल गई है। क्योंकि आज वीडियो बनाने में भी जो मेरी सब्जी फ्रूट की वीडियो थी वो लेट शुरू हुई और अभी समय हो गया दोस्तों 12:40, दोपहर के 12:40 हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का लहसुन का क्या रेट चला। भाई साहब के पास किसान आए, कुछ मेरे इलाके से मेरे गाँव के भी किसान आए आसपास के, और हिमाचल वाले आए। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या क्या माल बिके। हाँ जी सर जी, बाबू जी आप तो कहीं कुर्सी भी रखने की जगह नहीं जी, माल अंदर तक है। ये देखो जी, वो कहते हैं ना किसान आप पे मेहरबान है तो पूरा होता है। अच्छा जी, तो हिमाचल आया हुआ आज है, 2-3 गाड़ी। अच्छा जी, तो सारा हिमाचल का ही माल पड़ा है मेरे। अच्छा जी, बरसात के डर के मारा अंदर रखा जी? हाँ, थोड़ा बाहर बारिश हो रही थी, अब तो खैर बारिश नहीं है, धूप निकल गई। हाँ जी, लेकिन माल भी है। अच्छा जी, और सेल थोड़ी सी कम है बारिश की वजह से, माल नहीं पड़ जाते। आज मैं लेट हो गया जी, कम से कम 2 घंटे मेरी गाड़ी लेट है जी। बिल्कुल जी, पौने एक बजे। हाँ जी, 11:30 वीडियो बन जाती है। तो बढ़िया हुआ आप लेट आए हो। हाँ जी, क्योंकि अभी भाई साहब भी आए हैं। अच्छा, आपको फाइमी लसन के दर्शन करवा देते। ये कहाँ से आए भाई साहब? मैं मारा साहब से आई पोंटा के। तो मार्केट हो जी, माल अपना। अच्छा जी, तो आप किसान हो जी? अच्छा, अपना सुरेंद्र कुमार जी, माजरे से। अब आप देखिए। हाँ जी, ये भाई साहब ने माल लगाया। हाँ जी, ये फार्मी लसन के आप दर्शन करो। अरे इतने बड़े बड़े लसन, ये फार्मी है जी? ये फार्मी लसन है, एक एक दाना देख लो क्या वजन है। 250 ग्राम का दाना होगा जी, ये 400-400 ग्राम के दाना। अच्छा जी, मैं ये देखो आप। हाँ जी, इतने में 1 किलो, 1 किलो, तीन, ये इस हिसाब से। एक मिनट, जो पिछले साल का रेट देखा जाए, चलो पिछले साल का तो रेट अलग है, तो कम से कम ये 500 रुपए का एक पीस बन रहा जी, पिछले साल का रेट देखा। देखो इस साल देखो भी रेट नहीं खुले। हाँ जी, रेट खुलेंगे। मैं ये लसन क्यों दिखाना चाह रहा था आपको? हाँ जी, कि इसमें फर्क क्या है? कर लो जी, चेक कर लो, फार्मिंग है कुछ हो रहा जी? क्या है ये? नहीं कि नहीं, ये फार्मी लसन ही है जी। हाँ जी, और ये सूखेगा। अच्छा जी, ये पैदा करने वाले ये है। हाँ जी, सूखेगा तो एक्चुअल जो फार्मी का लसन है वो आ जाएगा उसका रंग। हाँ जी, फर्क सिर्फ क्या है, जो हम पिछले साल फार्मिंग देख रहे थे और ये ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, उसकी वजह क्या है कि इन्होंने जो मैंने पिछले कुछ इंटरव्यू में भी बोली थी। हाँ जी, कि देसी खाद लगाई है। अच्छा जी, हमारा तो ज्यादा ज्यादा आपके पास इतना मोटा आया होगा, इससे भी बारीक था जी, इससे मोटा। हाँ जी, तो ये देसी खाद के कमाल है, गोबर की खाद के। हाँ जी, जो मैंने बोला था कि गोबर की खाद लगाओ। हाँ जी, यूरिया ना लगाओ, उसके ये फर्क है कि आज लहसुन ये पोजीशन पे आ गया। हाँ जी, जो आदमी कहते थे गोबर की खाद लगाने से सब्जियां दागी निकलती हैं और ये निकलता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। वाकई जबरदस्त क्वालिटी है जी। तो हरेक को मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी खाद में गोबर की खाद यूज करना चालू करो। पहले अब तक पहले गोबर की खाद करते हैं, इनको साल इनको कितने साल हो ऐसे का 20-50 साल हो होंगे इनको, तो देसी ये अंग्रेजी खाद दूंगा। और इसके नीचे हाँ जी जो चनिया निकलता है। हाँ जी, उसका देखो तमाशा और। अच्छा जी, ये चनिया का साइज ही नहीं देखा होगा आप लोगों ने अभी तक। ये चनिया का साइज देखो, एक एक वो मुझे लगता है। मैं चैलेंज देता हूँ, जिन्होंने फार्मिंग लगाया होगा इतना मोटा साइज चनिया का किसी पे नहीं होगा। ये तो जी कम से कम है, ये कम से कम ऐसा चनिया जो खारी बावली में कहीं पर मिल जाए नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं जी, मिलेगा ही नहीं। आम तो चनिया लहसुन ये साइज होता है। हाँ जी, हाँ ये साइज होता है, ये साइज होता है चनिया लहसुन। ये भी ज्यादा मोटा है जी। ठीक है जी, और इनके जो कलर है ना जी, ये भी पूरा पीला जी। हाँ, वो तो पीला भी होगा,
अच्छा जी, ये वाला साइज तो है ही नहीं बड़े बड़े साइज। हाँ जी, ये साइज कहाँ से हुआ? ये सारा गेम गोबर की खाद का, गोबर की खाद जो होती है ना वो डाल। ये चीज आपको दिखाने के लिए भाई साहब दो घंटे से बैठे थे। अच्छा, एक तो अपना हरजाना दे देना। हाँ जी, ले जाने का। अच्छा जी, तो आपने कितना एरिया लगाया है इसका? इनका अलग है, ये अलग है, इनका अलग है। अच्छा, ये डालियो हाउस नहीं है। दिखाने के लिए मेरे को, और क्या इसका रेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लसन बहुत भाई, आपकी मेहनत को सलाम जी, कम से कम हिमाचल वाले और भी सीखेंगे जी। हाँ जी चौधरी साहब, आपको तो जानता हूँ जी, आप भी बता दो जी, फिर भी मेरे कैमरे पे पकड़ो जी अपना नाम पता। ये तो भी सैंपल है, अच्छा। तो मैं भेजना भी क्या बताऊँ। अच्छा जी, नहीं आपका गाँव कौन सा जी? टोटर पर। टोटर पर मेरे से कि मेरे गाँव से कितने दूर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। अच्छा जी, अच्छा आपने क्या कौन सा यही लगा? तो इतना सहज बना जी आपका, इतनी हमारा लेकर इनका भी इतना है, लेकिन इन्होंने देसी खाद नहीं लगाई। अच्छा, इन्होंने देसी खाद नहीं लगाई। इनका चनिया छोटा है। अच्छा, लेकिन अभी निकला नहीं, अभी ये बिना देखे बोल रहे हैं। अच्छा, इनका जब निकलेगा तब पता चलेगा। अच्छा, लेकिन लगभग ऐसा ही है इनका। धन्यवाद जी। ये तो हो गई जी फाइमी लसन। हाँ जी, अब आओ हिमाचल वालों से मिलवाएं आपको। आप इनको तो पहले से जानते हैं, इनको पहले भी आप मिले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनको तो मिला है जी। निशु जी। हाँ जी, ये बहुत मशहूर आदमी है वहाँ के। गाड़ियाँ खूब चलती हैं। हाँ जी, जितना भी किसान आता है निशु भाई ये भी हिमाचल से हैं जी। ये नेत्र जी हैं। हाँ जी, ये मेरे कम से कम 25 साल पुराने मित्र हैं। अच्छा जी, और ये भी हिमाचल से हैं। हिमाचल से इनकी अलग गाड़ी है। हाँ जी, हिमाचल से है। अच्छा जी, तो ये सब हिमाचल से इन्हीं के लोगों के माल आए हैं, कुछ बिके हैं। हाँ जी, और कुछ रहे हैं। अच्छा जी, हिमाचल वालों को एक सलाह देना चाहूंगा। हाँ जी, अभी जो सबके दिमाग में कि हमने अभी बेचना है। हाँ जी, आप लोग थोड़ा रुको, एकदम से सब माल नहीं निकालो। हाँ जी, कोई कुछ नहीं होने वाला, जितना आराम से बेचेंगे उतना आपको फायदा होगा। हाँ जी, जल्दबाजी में फिर वही घूम के 70-80 मार्केट आ जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, लहसुन में 10-15 दिन बाद और अच्छी तेजी आएगी। अच्छा जी, लहसुन को आराम से बेचो। हाँ जी, अब पिछला कल का आपने सुना होगा सबने। हाँ जी, कि नीमच मंडी में हिमाचल 13,000 रुपए बिका हिमाचल में, ये क्या कारण है जी? हिमाचल का उधर भी चला जाता है हिमाचल का जो पहली बार गया। अच्छा, जो बार बार बोल रहा हूँ, अकेला साउथ की मंडी नहीं है। हाँ जी, जहाँ हिमाचल बिकता, पूरा हिंदुस्तान है जहाँ हिमाचल बिकता। अच्छा जी, तो इसलिए आप एक मंडी के भरोसे नहीं बैठो। हाँ जी, अब कल एक गाड़ी मेगा 15 टन की गई नीमच मंडी। हाँ जी, जो नीचे में 60-70 रुपये बिका, ऊपर में 130 तक बिक गया। हाँ जी, तो आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या, कि अकेली एक मंडी साउथ की नहीं है जिसपे हम भरोसे हिमाचल वाले भरोसा करके बैठते थे। हाँ जी, आप एमपी में भेज सकते हो, एमपी की प्रोडक्शन मंडियों में बिकेगा। हाँ जी, दिल्ली भेज रहे हैं, बिकेगा। हाँ जी, जल्दबाजी नहीं करो, निकाल दे, आराम आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं करो। हाँ, आपको पूरा साल भाव मिलेगा। अच्छा जी, अगर हम पूरा साल नहीं भी रुकना चाहें, 2 महीने हमारे पास बहुत है। हाँ जी, 2-3 महीने तो है ही है। अच्छा, आराम से बेचो ना। चलिए, जल्दबाजी में क्या कर रहे हो आज के रेट? अब ये वाले माल आए हैं जी, ये नॉर्मल, ये बीच का माल है। हाँ जी, ये माल 85-90 बिक रहे हैं, 85-90 रुपए किलो। ये है 100 रुपए की रेंज है। अच्छा जी, ऐसे करके माल हर तरीके का ये माल है। तो जैसे खुराना जी, परसों जो माल आया था जी आपके पास जी, परसों माल आया था वो ये ऐसे गुलाबी कलर का था, तो इनके भी गुलाबी होते हैं जी? यकीन उन्होंने सुखाए हुए हैं। हर एक जगह का फर्क होता है, कुछ ज्यादा हाइट का तो ज्यादा गुलाबी हो गया। अच्छा, कम सुखाया हुआ है, अब इसमें मेहनत ज्यादा हुई है। हाँ जी, तो ये वाइट है। अच्छा जी, तो ऐसे अलग अलग क्वालिटी है जी। तो मंडी में आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी टोटल?
हिमाचल आज भी वही 7-8 गाड़ी है। हिमाचल की 7-8 गाड़ी है जी। और पंजाब? पंजाब आज कोई नहीं आया हुआ। हाँ जी, बाकी MP है, राजस्थान है। अच्छा जी, मैं हिमाचल वालों को सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इतनी स्पीड से माल नहीं निकालो। हाँ जी, घबराओ नहीं। हिमाचल का किसान इस टाइम तो पता क्या लग रहा है? हाँ जी, कि भाई अभी बिक रहा है अभी बेच लो, आगे रेट मिले ना मिले। सर ये रेट पूरा 2-3 महीना मिलेगा। अच्छा, आराम आराम से निकालो, जल्दबाजी नहीं करो। हाँ जी, जितना आराम से निकालेंगे उतना आप लोगों को फायदा होगा, समझ रहे? हाँ जी, अकेली ना तो साउथ मंडी पड़ी ना दिल्ली मंडी पड़ी, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए हाथ खोल के खड़ा। हाँ जी, कहीं भी भेजेंगे माल बिकेंगे। अगर आपको कहीं MP में भेजना हो पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा क्या क्या मंडी है, नीमच है, मंदसौर है, वहाँ भेजो, वहाँ भी बिकेंगे माल। अच्छा जी, तो इसलिए टेंशन नहीं लो और आप देखो इसके आपको फायदे मिलेंगे। हाँ जी, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ 60-70 रुपये पे मैंने रोका था। हाँ जी, आज देखिए 80-100 बिक रहा आराम से, 100-110 तक बिक रहे माल। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि स्पीड से नहीं निकालो, थोड़ा आराम से निकालो, निकालो लेकिन आराम आराम से निकालो। अच्छा जी, आपको उसके फायदे ही मिलेंगे। हाँ जी, तो जो बात करें आज के पंजाब के, पंजाब तो आया नहीं, पंजाब अगर आता तो वही सेम कलोली पोजिशन है। अच्छा जी जी, और जो MP और राजस्थान जी हैं, देखो जी MP और राजस्थान की बिक्री खा गया हिमाचल और पंजाब। अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली की मंडी में, दिल्ली में, दिल्ली में इससे हिमाचल और पंजाब की धूम है। हाँ जी, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मंडियों में MP टाइट है। हाँ जी, राजस्थान टाइट है। हाँ जी, पिछले 3-4 दिन में 5-7 रुपये का फर्क आ गया और कम से कम भी 10-15 रुपये का और फर्क आएगा। फर्क मतलब ऊपर टाइट, ऊपर टाइट होगा। अच्छा जी, बाजार टाइट हो, 5-7 रुपये टाइट हो चुके हैं। हाँ, अभी 10-15 रुपये और टाइट होंगे। अच्छा जी, सिर्फ 3 दिन में 70 गाड़ी की बांग्लादेश की डिमांड आई है। अच्छा जी, तो आप समझे कि 3 दिन में 70 गाड़ी बांग्लादेश की डिमांड है। हाँ, आगे आने वाले टाइम में सिर्फ बांग्लादेश और देश भी मांग रहे हैं। अच्छा जी, तो इससे कहीं दूर दूर तक कोई घबराहट नहीं है। यानी जो पहले MP के एक ही खतरा है। हाँ जी, उसको थोड़ा आप बचा के चलो, और कुछ नहीं। अच्छा जी, हाँ, तो मेरी बात सुनो जी, जैसे अब यहाँ पर डेली 7-6 गाड़ी जो MP और राजस्थान की बिकती थी, इसकी जगह अब हिमाचल ने ले लीजिए। हिमाचल 6-7 गाड़ी आना चालू हो गई और बिक रही है। अच्छा जी, ये दृढ़ से लगातार बिकती जा रही थी। हाँ हाँ, बिक रहा है अभी, हमने सुबह से 100 कट्टा तो बेच ही लिया होगा, 100-100 कट्टा, जबकि बारिश का मौसम था। अच्छा जी, अभी धूप निकलनी चालू हुई, 100-100 तो कट्टा बिक गया। एक गाड़ी और खड़ी है अभी हिमाचल की मेरी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा पीछे हिमाचल की गाड़ी अभी खड़ी है, उतर रही है माल। हाँ जी, जो बात करें जी सर जी फिर लहसुन के बारे में, इसके बारे में बता दो, क्या ये बीज में भी काम दीजिएगा जितना मोटा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बीज के लिए है, ये सूखते ही मेरे को सब बीज वाले मांग रहे हैं। हाँ जी, आप सिर्फ 10 दिन और रुको, आप लोगों को ये बीज देंगे। हाँ जी, रोक क्यों रहा हूँ कि सूखने दो। अच्छा, अभी आप लेते हैं, अभी मैं अभी नंबर दे दो, आप डायरेक्ट ले लो किसानों से। हाँ जी, लेकिन अभी थोड़ा गीला है, सूखेगा, सूखने के बाद आप लोग। अच्छा, ये बात बताओ, जो इसकी ब्रीक कली लगाएंगे बीज तो उसका भी तैयार होगा, और ये तो बहुत ज्यादा मोटी कली है जी। इसकी ब्रीक कली है ही नहीं। अच्छा, मिलेगी नहीं, बीज इससे भी तैयार होगा, जो एक घंटी प्याज जैसा होता है उससे भी बीज तैयार होता है। अच्छा जी, तो अभी थोड़ा आपको 10-1 दिन और रुक जाओ, 10-15 दिन। हाँ जी, माल सिर्फ लहसुन ही था, जैसे कल की वीडियो में प्याज ही था, इस तरह से आज की वीडियो में सिर्फ लहसुन ही था। तो यहाँ पे ना, मतलब मैंने कमेंट बॉक्स में चेक किया था, लोग बोल रहे थे कि 30-40 रुपए भी, मतलब जो होता है ना ये लहसुन वो भी बिक रहा है 30-40 रुपए, 50 रुपए। आपको पता फार्मिंग जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, तो जितना साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा महंगा भी होता है, तो 30-40 रुपए भी लोग बोल रहे थे। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, पाकिस्तान में 400 रुपए किलो बिकता है ये जो लहसुन है ना, इतना ज्यादा महंगा है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 भी बिक रहा है तो मुझे लगता है 3 गुना पाकिस्तान में ज्यादा इससे बिक रहा है। हाँ, और ये लहसुन देखा, इतना इतना बड़ा लहसुन मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल मैंने भी नहीं, कभी नॉर्मल साइज यहाँ पर फॉर्मिंग जो होता है ना हम भी वही लाते हैं, बोरियां जो पड़ी है इतना यही साइज हमने भी देखा। लेकिन ये जो फर्स्ट इन्होंने मुझे लगता है ये जो देग या बड़ा बड़ा खाना पकाते हैं ना उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि घर में जो
मतलब हम लोग खाना पकाते हैं, हमने तो एक वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं गंडा, हम तो बोलते हैं मतलब एक जो होता है वो डालना होता है, लेकिन जो इतना फ़र्ज करें ये एक बड़ा होगा तो उसका हम क्या करेंगे। तो इस वजह से ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, मुझे लगता है जो देग वगैरह या ज़्यादा तादाद में खाना पकाते हैं ना, उन शादियों के लिए जल्दी से जल्दी छिला भी जाएगा और फिर इस तरह से यूज़ भी हो जाएगा। लेकिन इस मंडी में अभी उन्होंने बताया जैसा कि बारिश हुई थी तो इस वजह से सामान सारा पहले आपको पता बाहर भी इन्होंने रखा होता है लेकिन ख़राब होने का खदशा आ जाता है, फिर अभी इन्होंने अंदर रखा हुआ है सामान, गाड़ियाँ आ रही। हिमाचल प्रदेश का ना बहुत ही नाम लिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि बहुत ज़्यादा वहाँ का अच्छा जो होता है गार्लिक वो बहुत ज़्यादा वहाँ का अच्छा होता है। लेकिन अगर बात की जाए कल की वीडियो की, तो कल आप लोगों ने ना हमने बोला था कि 9 रुपये किलो यहाँ पे जो था प्याज बिक रहा था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था हमारे यहाँ पे, तो अपने अपने एरिया का बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे कोई बोला था 5 रुपये बिक रहा है, हमारे यहाँ पे कोई 6 रुपये, इतना सस्ता भी प्याज बिक रहा है। क्वालिटी का वही आ जाती है अभी बात के जिस तरह की आपको, लेकिन ये इनकी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर बेहतरीन से बेहतरीन भी आप क्वालिटी लेंगे ना तो वो भी आपको बहुत ही सस्ती में पड़ेगी। तो जैसे 5 रुपये में तो वो थोड़ा सा छोटे प्याज होंगे लेकिन इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जैसे अगर 10 पे या 12 रुपये आएंगे तो अच्छे प्याज और खूबसूरत होंगे, वो भी ज्यादा सस्ते प्याज। लेकिन मैं अगर यहाँ पे गार्लिक की प्राइस सुन के हैरान हो गई हूँ यार, मैं मतलब जब कोई वीडियो देखती हूँ मैं उसके कमेंट बॉक्स में लोगों की राय भी देखती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो यही बोल रहे थे ज्यादातर व्यापारी जो होते हैं लोग वो देखते हैं वीडियोस ये वाली, तो बोल रहे थे कि हमारे पास 30-40 रुपये जो है ना हमारे एरिया में बिक रहा है, इस तरह से सब लोगों ने कमेंट्स भी किया। एरिया का हिसाब भी होता है, जो जो एरिया होता है ना वहाँ के हिसाब से भी सस्ती कुछ होती है, कुछ में महंगी सब्जियाँ बिकती हैं। और ये जो किसान थे वो वीडियो देख कर ही आए हैं ना इधर, वो कह रहे थे मंडी की वीडियो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं कि यार यहाँ पे ये देखो हमने इतना बड़ा प्याज। मुझे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज लगी कि जो लोग दिल्ली में अभी रहते हैं आम लोग या जो भी पहाड़ी है जो जिनकी सब्जी की दुकान वगैरह या जो रेस्टोरेंट मालकान है आपको पता वो ज्यादा तादाद में ये वाली चीजें लेते हैं ना, तो फिर वो मंडियों में जरूर जाते हैं, तो उनको लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है कि जब भी रोजाना की ये नई वीडियो और हर किस्म की ये डालते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको किस टाइम पे बेचना चाहिए किस टाइम पे। अगर आप फर्ज करें चावल होते हैं ना हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, हम जिस एरिया में रहते हैं चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग ऐसा ही करते हैं मतलब वो उसकी छटाई करवा के रख लेते हैं, उनको पता होता है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, कुछ मंथ रख के वो बेच देते हैं तो फिर उनको और दाम में मिलता है, तो इसका भी मुझे लगता है इसी तरह वो बता रहे थे कि ये होता ना कि वो कह रहे हैं कि अभी रेट सही इसका मिल रहा है तो लोग बेच ही जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आप बेचें और इसे भी इसका प्राइस ऊपर जाएगी और आपको ही मुनाफा होगा। बिल्कुल किसान इतनी ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है आपको पता है, गर्मी में धूप में ये इतनी मेहनत करते हैं तो कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। और एक बात आई याद कि इन्होंने कहा कि गोबर वाला ना जो प्याज ये इस्तेमाल करें, वैसे भी ना आपको पता ही होगा कि यहाँ भी मैंने काफी जगहों पर देखा लोग ना वो ट्रालियां नहीं जो होती वो बढ़ बढ़ कर लेके जाते हैं, वो अपनी ऐसे ना खेतों में डालते हैं, उससे फसल बहुत ही अच्छी होती है, ये वाली बात तो बिल्कुल सच है। और यहाँ पर आप पौधों वाली भी क्यारियां कहीं देखेंगे ना तो उधर भी अगर वो डालेंगे ना हाँ अच्छा होगा, क्योंकि वो भैंस ने आपको पता है वो मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें खाई होती हैं, तो फिर उससे जो ये पौधे होते हैं ना वो काफ़ी अच्छी तरह नशुनुमा पाते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कौन वीडियो में।